हाजिर हूँ आपके बीच ट्रेंडिंग बॉलीवुड स्पेशल प्रोग्राम को लेकर। मैं आपकी होस्ट तृप्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग बॉलीवुड लेटेस्ट एपिसोड को लेकर। ट्रेंडिंग बॉलीवुड के आज के एपिसोड में हम फिर बात करने वाले हैं बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस के ट्रेंड में रहने वाली खबरों के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं, एक तरफ हो रही है चर्चा पिगी जॉब्स यानी कि प्रियंका चोपड़ा और उनके फियांसे निक जोनस की शादी को लेकर, दूसरी तरफ हो रही है चर्चा कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशन से लेकर ब्रेकअप लिंकअप को लेकर, जहां पर नाम तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का काफी समय से विवादों से घिरा। 10 साल पुराना राज फिर से सामने आया। तनुश्री दत्ता 10 साल के बाद फिर से लौट आई है अपने लिए न्याय मांगने के लिए। नाना पाटेकर के खिलाफ हर आरोपों को सही साबित करने के लिए नाना पाटेकर पर आरोप लगाने वाली तनुश्री दत्ता, जो कि मिस इंडिया बनने के बाद आशिक बनाया आपने फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर खूब धमाल कर दिया। साल 2008 के इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए तनुश्री ने फिर से नया बस ट्वीट करा है। तो किस तरह से ट्रेंड में है खबरें बॉलीवुड टाउन को लेकर। इनके अलावा सलमान शाहरुख से लेकर और भी उनकी पर्सनल लाइफ की बातें जानते हम खास रिपोर्ट में बॉलीवुड की लेटेस्ट ट्रेंडिंग गॉसिप्स के बारे में, बॉलीवुड टाउन यानी कि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में। तो देखिए खास रिपोर्ट। मतलब आप भी जानते हैं, हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपनी बातों को रखने के लिए और नाना पाटेकर के खिलाफ आरोपों को सच साबित करने के लिए पहुंची थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन, जहां पर उन्हें साफ साफ देखा गया। वहां अपने चेहरे को छुपाती गाड़ी के अंदर तनुश्री काफी ज्यादा दुखी भी नजर आई। हालांकि उनके जज्बे को देख ऐसा लगा मानो वाकई में खुद के तरफ कोई भी आश नहीं आने देंगे। इस बार वो अपनी बातों पर अड़ी और 10 साल पहले जो उन्होंने अपनी बात रखी थी उस बात को सच नहीं साबित करेंगी, बल्कि गुनाहगारों को गुनाह के लिए उन्हें सजा भी दिलवाएंगी। मीटू मूवमेंट को लेकर हाल ही में जो पूरे देश भर में लगातार महिलाओं की बातें सामने आई हैं, बड़े चेहरों का नाम सामने आया है, इस पर तनुश्री दत्ता ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बीती रात केस के खिलाफ, नाना पाटेकर के केस खिलाफ अपना रिकॉर्ड किया है बयान। और इसी मामले में पूरी तरह से अपनी भड़ास निकाल कर तनुश्री दत्ता ने पूरी तरह से नाना पाटेकर को फंसाने के लिए पूरी की पूरी साजिश रच दी है। अब देखना होगा अब किस तरह से नाना खुद को सही साबित कर पाते हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर में से एक, सुपरस्टार्स में से एक, बड़े डिमांडिंग एक्टर्स में से एक आमिर खान, जो कि फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के जरिए बड़े पर्दे पर फिर धमाल करने वाले हैं इस बार की दिवाली में। आज हम उन्हें लेकर लाए हैं ये खास रिपोर्ट। जिस तरह से मी टू स्टोरीज पर नया नया नाम लगातार ही सामने आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, वहीं दूसरी तरफ आमिर खान को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि तनुश्री के बाद आमिर खान का निकला है गुस्सा एक डायरेक्टर पर। जी हाँ, तनुश्री दत्ता, जिन्होंने डायरेक्टर, फिल्मी एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर पर भी अपना निशाना साधा, हॉर नो के प्लीज के सेट पर डांस करने के दौरान जिन्हें उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया, वहीं आमिर खान ने ट्विटर पर बीते दिनों एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो एक काम को लेकर अपना कदम पीछे कर रहे हैं। मोगुल को लेकर आमिर खान ने लिया है फैसला। उन्होंने कहा, 2 weeks ago when traumatic Me Too stories began emerging, it was brought to our attention that someone we were about to begin work with has been accused of misconduct. Upon inquiry, we found that this particular case is sub judice and that the legal process is in motion. We are not an investigative agency, nor are we any position to pass judgment on anyone. That is for the police and judiciary to do. So without casting any aspersions on anyone involved in this case and without coming to any conclusions about this specific allegations, we have decided to step away from this film. तो आमिर खान ने इस स्टेटमेंट के साथ आखिरकार एक फैसला लिया कि वो इस फिल्म को नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा आमिर खान अब नाना पाटेकर को लेकर कब अपना बयान देते हैं और तनुश्री का सपोर्ट करते हैं।
जैसा कि आप भी जानते हैं, हाल ही में तनुश्री और नाना पाटेकर विवाद पर तमाम तरह के एक्टर्स का बयान सामने आया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने भी आखिरकार तोड़ी है चुप्पी और उन्होंने निकाला है नाना पाटेकर पर गुस्सा। जी हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के प्रमोशन के दौरान, ट्रेलर लॉन्च के दौरान पूछा गया था इस विवाद पर, उन्होंने साफ कर दिया था इनकार जवाब देने से और कह दिया था ना तो मैं तनुश्री हूँ ना ही हूँ नाना पाटेकर, ऐसे में ये सवाल गलत है। फिर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के इस बयान से तनुश्री दत्ता काफी ज्यादा दुखी हुई थी और आखिरकार अमिताभ बच्चन इससे पहले की बुरी तरह फंस कर इस मामले पर चुप्पी साधते हुए सभी के क्रिटिसाइजर्स के नजरों में घिर जाए, उन्होंने लिया फैसला और आखिरकार उन्होंने तोड़ी चुप्पी और बताया इस तरह का काम बिल्कुल भी सही नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बता दें आपको, इसी मामले पर पति पत्नी आमिर खान और किरण राव भी फंसते नजर आए। जी हाँ, त्यागी गीतिका ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे कि मी टू मूवमेंट को लेकर आमिर खान भी फंस सकते हैं और किरण राव को इस पर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बता दें आपको, उन्होंने लिखा, मुंबई फिल्म फेस्ट हैज एसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हुज नेम हैव कम आउट इन मी टू मूवमेंट, बट आई होप इट्स चेयरपर्सन किरण राव रिमेंबर्स दैट आमिर खान हर हस्बैंड हिमसेल्फ इज वर्किंग विद सुभाष कपूर हु इज प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। अब देखना होगा कि किरण राव इसके बाद जो लेती हैं फैसला, इस पर उनका क्या बयान आता है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपनी शादी को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा में रहे हैं। वल उनकी ही दादी जान यानी कि निर्मल कपूर का ये मानना था कि अर्जुन कपूर को अब शादी कर लेनी चाहिए। खुद डिमांड कर चुकी हैं निर्मल अर्जुन से शादी के लिए। हालांकि अर्जुन ने अपनी दुल्हन के बारे में कोई भी बात नहीं की। वो पहले चाहते हैं कि उनकी बहनों की शादी हो, अंशुला जानवी खुशी दुल्हन बने, उसके बाद ही वो शादी का फैसला ले। खैर, ऐसे तो लग जाएगा काफी लंबा समय अर्जुन को दूल्हा बनने में, लेकिन ऐसे में जल्दबाजी तो कर रही है मलाइका अरोड़ा, जो कि उनकी रूमर गर्लफ्रेंड के नाम से हो पब्लिसिटी बटोर चुकी है। लाइमलाइट में रहती है जोड़ी हमेशा से ही, यही वजह है कि दोनों की अफेयर की खबरें हमेशा लोगों को हैरान भी कर देती है। बता दें आपको, हाल ही में दोनों सेल्फी क्लिक कराते नजर आए। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को साथ देख सभी के सभी चौंक गए। जी हाँ, अर्जुन कपूर वहां पर सेल्फी क्लिक करा रहे थे और मलाइका अरोड़ा उनके सामने फोन लेकर क्लिक कर रही थी वो फोटो, जिसमें दोनों के नजदीक क्या इशारा कर रही थी एक ही तरफ की। वाकई में एक्स हस्बैंड अरबाज खान से तलाक लेने के बाद अर्जुन कपूर को अपने दूसरे हस्बैंड के तौर पर चुनने के लिए मलाइका जरूर हो सकती है तैयार, जिस तरह उनके बीच की दूरियां फिर से हो चुकी है खत्म और लगातार ही दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, स्पॉट की गई है नेहा धूपिया हाल ही में एक इवेंट के दौरान, जो कि राजधानी दिल्ली पहुंची। कुछ इस अंदाज में जिन्हें देख आपको जरूर हो जाएगा यकीन कि वाकई में प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में नेहा धूपिया वाकई में प्रेगनेंसी की तकलीफ से गुजर रही हैं और अपनी तकलीफ को छुपाती हुई, अपने दर्द को सहती हुई नेहा धूपिया लोगों का सहारा ले रही हैं और वो चलने में थोड़ी तकलीफ तो महसूस कर रही हैं, जिस तरह वो संभल संभल कर अपना हर एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। अगर आप इस वीडियो पर गौर कर रहे हो तो नेहा धूपिया बेहद ही खूबसूरत तो नजर आ रही है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अपने होने वाले बेबी के ख्याल में वो वाकई में कोई कमी रखती नजर नहीं आई है। जी हाँ, फिल्म जीरो के जरिए नजर आएंगी आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी, जिन्हें आपने 10 महीने पहले फरवरी की 24 तारीख को आखिरी बार देखा होगा सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां शेयर करने वाली श्रीदेवी, जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ा इसी साल, जो नहीं रही दुबई में, जिन्होंने अंतिम सांसें ली, उन्हें आप देखेंगे एक बार फिर से 21 दिसंबर की तारीख को, जब फिल्म होगी रिलीज। सिनेमा घरों में जीरो के रिलीज होने के बाद होगा इंतजार खत्म श्रीदेवी को इस फिल्म में केमियो रोल प्ले करते देखने का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ के अलावा सलमान खान, काजोल और रानी मुखर्जी भी होंगे। इन सब के बीच श्रीदेवी भी नजर आएंगी सलमान खान के सामने
केमियो रोल प्ले करती हुई। देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड के पर्दे पर एक लंबे समय बाद श्रीदेवी जब दिखाई देंगी फिर से अपनी एक्टिंग का परचम लहराती, तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म में लोग ये देख कितना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जो भी उनसे जुड़े हैं। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसके लेटेस्ट एपिसोड में हमने बात की ट्रेंड में रहने वाले बॉलीवुड टाउन की खबरों के बारे में, हमने बात की ट्रेंडिंग बॉलीवुड में ट्रेंडी स्टार्स की लाइफ के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में, कॉन्ट्रोवर्शीज के बारे में, विवादों से घिरे उन सच के बारे में जिस पर लगातार ही हो रही है चर्चा। तो दीजिए अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार लौटेंगे फिर ट्रेंडिंग बॉलीवुड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर, इसी तरह से ट्रेंडी खबरों के साथ, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के साथ बॉलीवुड टाउन को लेकर नेक्स्ट 9 न्यूज में। लेकिन तब तक के लिए हर खबर के साथ अपडेटेड रहने के लिए और एक भी अपडेट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।